तो लास्ट में पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 2h/g, रेंज कितना आया था, u इंटू अंडर रूट 2h/g। दो एस्पेक्ट पे हमने डिस्कशन कर लिया था, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब उस एक क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो ऐसा समझ लो कि एक पर्टिकुलर कोई हाइट ले लेते हैं, ये हाइट हमने ले ली सपोज एच का वैल्यू अच्छा लें जिससे कि आंसर बढ़िया आए, 320 मीटर ले लो। एच का वैल्यू ले लिया 320 मीटर, ठीक है। और यहां से पार्टिकल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से सपोज, क्लियर। अब 10 से फेंक देंगे तो 10 से नहीं 20, 10 से ही फेंक दें, चलो 10 से ही फेंक देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ मूव करते हुए गिरेगा यहाँ। अब इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वन बाय वन करके सिर्फ आज के लेक्चर में यही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, है ना। देखो तो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो ना, फिर इस पर 50 क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, HCV, एरोडो, और आप जो भी बुक यूज करते होगे आपकी, या ऐप पे जितनी बुक पढ़ी होगी, इस प्रोजेक्टाइल पर आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गए। इसलिए फिजिक्स में क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, सर 10 क्वेश्चन कर लेंगे उससे अच्छा हो जाए। आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो, वो 10 के 10 क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी है मार्केट में। अब इसमें मान लो सबसे पहले आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फॉर्मूला याद है अपने को, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो हमने डायरेक्ट रख दिया इसमें फर्स्ट पॉइंट, अंडर रूट ऑफ 2 × 320/10, इससे चला गया 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8, तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया 8 सेकेंड। इसलिए 320 लिया था जिससे कि अंडर रूट में 64 आए और 8 सेकेंड आ जाए, है ना। अब मान लो कि आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गए, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना पड़ेगा, ध्यान समझें। आपको ये बात तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आई, इसलिए डेरिवेशन कराया था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डेरिवेशन को ध्यान समझो। मैंने क्या सिखाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट इस टाइप के प्रोजेक्टाइल में क्या है, जब पार्टिकल पार्टिकल ने जितना टाइम ग्राउंड को हिट करने में लिया वही तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या उतने टाइम में पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 320 मीटर। तो अगर वाई डायरेक्शन में, अच्छा इसमें बताओ इनिशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वाई डायरेक्शन स्पीड का 0, तो वाई डायरेक्शन में अगर हम s = ut + ½ at² अप्लाई कर देंगे तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना -320, वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है 0, तो ut वाली टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ क्या आएगी -½ × 10 × t², इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस चला गया, 32 × 64, t² = 64, तो t का वैल्यू क्या आ गया 8 सेकेंड। तो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होगी ना तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट, इसका रेंज बताया जा सकता है, रेंज क्या होगा बताओ, क्या सिखाया था रेंज, इस डायरेक्शन की स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 8, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है सिंपली r = 10 × 8, यहां पर लिख सकते हैं 80 मीटर, ठीक है। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, हमसे मान लो पूछ लिया जाए, अब ध्यान समझना कि जब पार्टिकल, अच्छा एक बात इसमें ध्यान देने लायक ही है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल में होगा क्या, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है 0, तो पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पर प्रेजेंट होगा। तो आपने पुराने वाले प्रोजेक्टाइल में भी देखा था एक्स डायरेक्शन का स्पीड कभी भी चेंज नहीं होता, इस पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है 0, क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है ग्रेविटी, तो क्या पार्टिकल कुछ टाइम के बाद वाई डायरेक्शन में स्पीड अचीव करेगी, आंसर है यस। इसको यहां से रिलीज करो, उस प्रोजेक्टाइल को भूल जाओ, एक प्रोजेक्टाइल को यहां से मैं रिलीज करूं तो कुछ टाइम के बाद क्या ये स्पीड अचीव करता है, जाहिर सी बात है। तो ये प्रोजेक्टाइल का इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना है 0,
प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पर प्रेजेंट होगा, यहाँ यहाँ, इनफैक्ट ग्राउंड को हिट करते टाइम भी। मैं आपसे एक्स डायरेक्शन का स्पीड पूछूं तो आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मैं पूछूं वाई में इनिशियली स्पीड तो जीरो थी, क्या वाई में इनिशियल स्पीड, वाई में कुछ टाइम के बाद स्पीड आएगी? तो आपका आंसर होगा यस आएगी। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी भी अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ कुछ आ जाएगा वैल्यू, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल के पास जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी, बताओ। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, कैसे निकालोगे? क्या उसके लिए सबसे पहले vy चाहिए आपको? vy क्या है? पार्टिकल की स्पीड का वो कंपोनेंट जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हम y डायरेक्शन में v is equal to u plus at अप्लाई कर देना। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड क्या है? जीरो। तो क्या लिखेंगे? v is equal to u by minus of g into t, ये चीज तो जीरो है। तो vy is equal to क्या आ जाएगा? माइनस का 10 इंटू टाइम कितना लगा इस पॉइंट तक आने में? 8 सेकेंड। तो आ गया माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन सिर्फ क्या दिखा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सोचो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? क्या v नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इससे जो भी आंसर है सॉल्व करने के बाद वो उस स्पीड से पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर है? आई होप आपको फील आ गई होगी इसमें, है ना। चलो दूसरा, इसी में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। एक और चौथा फ्रेम करते हैं, आप नोट करो इसको। इसी पर्टिकुलर में मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं स्पीड, अच्छा मान लो आपसे ये एंगल पूछ लिया है। अच्छा प्रोजेक्टाइल आ तो ऐसे रहा और ऐसे मूव करते हुए, थोड़ा सा सही डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसे हिट करता, इसका कौन सा कंपोनेंट निकाल लिया आपने? वाई कंपोनेंट। और मान लो ये एंगल आपसे ये पूछ ले जाए कि आपने ये तो निकाल दिया कि पार्टिकल कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है, वो 80 आ भी गई, कितने एंगल पर हिट कर रहा है ये बताओ। खैर अब तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये एंगल अल्फा मान लो, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही मैं साइड में लिख देता हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू vy, vy कितना? 80, vx कितना? 10, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 8 आंसर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे मान लो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फोर्थ क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या बोल दिया जाए? स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। तो मुझे पता है कि 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 4 हो, कुछ भी हो, x की स्पीड 10 है। मैंने मान लिया कि 1 सेकेंड वो टाइम है जब पार्टिकल यहां था। क्या 1 सेकेंड के बाद y में स्पीड आएगी? इनिशियली y डायरेक्शन में स्पीड कितना है? बार बार इसलिए बोलूंगा आपके दिमाग में सेट हो जाए, बिल्कुल, है ना, रट जाए। y डायरेक्शन इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। क्या y डायरेक्शन कुछ टाइम के बाद स्पीड आएगी? बिल्कुल। वो कैसे निकालोगे? v = u + at से। तो vy = क्या हो जाएगा? u + at, u तो 0 है, तो क्या लगोगे? माइनस 10 इंटू 1। तो वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी आ गई? माइनस साइन सिर्फ क्या दिखा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 1 सेकंड के बाद स्पीड क्या लिखोगे? v नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 10√2। अब बुक्स में इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं। बुक में कैसे हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट को डराने के लिए? स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर t
टी सेकेंड। अब फॉर्मूला बना देंगे अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला रटने के लिए बोला जाता है इंस्टीट्यूट्स में कि रटो। अरे क्यों रटें, हम तो बिना फॉर्मूले के स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर, पर जिन्हें लर्न करना है फॉर्मूला लर्न कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मान लो मैं आपसे ये बोलता कि एक सेकेंड का स्पीड में बताओ, वन सेकेंड के बाद कितना एंगल बना वो बताओ, तो यार बता सकते हो ना टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ रखो ऐसे, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना टेन और वी एक्स कितना टेन, तो कितना हो गया वन, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लो, तो एक ही क्वेश्चन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल ली, हमने ये पता कर लिया कि कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, कितने एंगल पर हिट करेगा, हमने ये भी पता कर लिया कि जब वो वन सेकंड पर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, टेन रूट टू, वन सेकंड में होगा तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा। तो ये सारे आस्पेक्ट पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट, पहले आप इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना हो जाएगा 8 × 10 80 मीटर है ना। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं सिंपली कि अगर मेरे पास y का कुछ वैल्यू है फाइव इंटू 80 मीटर ले लेते हैं, ये 80 मीटर है, ये वाई डायरेक्शन, मतलब प्रोजेक्टाइल कहां पर होगा, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कुछ एक्स भी हुआ ना, ध्यान समझना, बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको और फील भी आएगी, मजा भी आएगा इसमें, फिर तुम कहोगे दूसरा अभी कहां से कहोगे यार, दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि आपने जब ड्रॉप करना है तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट 320 मीटर, बट मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जब वो वर्टिकल से 80 मीटर नीचे गिर चुका होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स बताओ। तो आपने कहा यार ये कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका क्या है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 80 ट्रेवल किया ना, वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड 0। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन लगा दी, कितना है माइनस का 80। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे है, ये चीज तो जीरो है, माइनस हाफ इंटू टेन इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू मेरे हिसाब से 4 सेकेंड आ गया, जैसे 4 सेकंड आ गया तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड लगा। अब एक बात याद करो, एक्स डायरेक्शन की जब आप रेंज निकाल देते हैं ना, रेंज कैसे निकाल देते, इस डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम, तो यार इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी है 10, और यहां तक आने में टाइम कितना लगा 4 सेकंड, तो सिंपली 40 मीटर आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिना फॉर्मूले के जितना फिजिक्स सॉल्व करोगे उतना ही मजा आएगा, तो इजीली कर पा रहे हैं।
अब इसे बुक्स में कैसे सॉल्व कराया जाता है, बुक्स में सॉल्व कराने का तरीका बताता हूं। बोलेंगे जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के फॉर्मूले यहाँ नहीं लगेंगे, आप कहोगे फिर यहाँ क्यों लगा रहे हो सर, अभी उसमें चेंज कर रहा हूँ। थीटा क्या चीज थी, ग्राउंड से जाने वाला एंगल, सो जो ग्राउंड से जाने वाला एंगल थीटा था, मैं इसको ऐसा कर दूं तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में भी एंगल कितना, हॉरिजॉन्टल से जीरो, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में यहां मुझे थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, चीज जीरो हो जाएगी, टेन जीरो जीरो होता है, माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, टू यू स्क्वायर। तो एक तरह से ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुई किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब याद करो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बताती थी, आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो रिमेनिंग वैल्यू मिल जाती थी, कौन सी वैल्यू पता, अच्छा माइनस साइन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कहां आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, यू कितना है 10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100। इस माइनस साइन से ये माइनस साइन चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1600। और जैसे ही 1600 आया तो आपको आंसर दिख गया होगा कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 मीटर। या भी देख, तो ऐसा नहीं है कि आप बुक के फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट सोचो हमें जब ये आता है तीन लाइन में तो अगले में तो ये आंसर आ गया। अब फॉर्मूला भूल गए तो उसमें कंफ्यूजन में कुछ गलती से रह गया तो गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूले सब याद रखने हैं, बट उसका अल्टरनेट मेथड भी हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और रटना कुछ भी नहीं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कई बार स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं कि ये रट लो वो रट लो, आप सिर्फ मेरे साथ फील करो कि मैं कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।